गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑक्सिलरीज में नीड और डेयर के बारे में। आज ये ऑक्सिलरीज का लास्ट पार्ट है, अच्छे से समझ लीजिए। नीड और डेयर, नीड मिस होता है ज़रूरत और डेयर मिस होता है हिम्मत। ये ऑक्सिलरीज की तरीके से भी वर्क करती हैं और एक वर्ब की तरीके से भी ये वर्क करती हैं। नीड और डेयर के बाद डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन भी यूज़ किया जा सकता है और नीड और डेयर के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के भी यूज़ किया जा सकता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला फॉर्मेट देखते हैं, यानी नीड और डेयर के बाद नाउन और प्रोनाउन कैसे यूज़ किया जाता है। तो अगर आप नीचे देखें, लिखा हुआ एग्जाम्पल में आई नीड अ बुक, मुझे किताब की ज़रूरत है। आई नीड, नीड के बाद डायरेक्ट देखिए यहाँ पर नाउन यूज़ कर लिया गया है। या सी नीड्स यू, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। देखिए नीड के बाद तुरंत जो है एक प्रोनाउन यूज़ कर लिया गया है। सी नीड्स योर हेल्प, या हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो आप देख पा रहे हैं डेयर के बाद प्रोनाउन यूज़ कर लिया गया है। तो नीड और डेयर के बाद तुरंत नाउन प्रोनाउन यूज़ किया जा सकता है, या नीड और डेयर के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जा सकती है। अब हम सेकेंड फॉर्मेट देखते हैं, यानी कि नीड और डेयर के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे लगाई जाती है। जैसे आई नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट, तुम्हें समझने की ज़रूरत है। सी डेयर्स टू डू एनी थिंग्स, कि उसे जो है कुछ करने की हिम्मत है। राम नीड्स टू राइट, राम को लिखने की ज़रूरत है। ठीक है ना। तो यहाँ जो एस आ रहा है आप समझ रहे होंगे प्रेजेंट इनडेफिनिट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो नीड और डेयर का यूज़ दो तरीके से कर सकते हैं, कि नीड और डेयर के बाद आप नाउन प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं और नीड और डेयर के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। अब आप समझेंगे कि अगर निगेटिव सेंटेंस इसी का आ गया तो कैसे करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल यही है, निगेटिव होगा तो नीड या डेयर के बाद नॉट आने पर एस नहीं लगाया जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। नीड और डेयर के बाद अगर तुरंत नॉट आ रहा है तो एस नहीं लगाएंगे नीड और डेयर में। साथ ही जो टू होगा उसको भी आप नहीं लिखेंगे। जैसे आई नीड नॉट गो देयर, आप देख पा रहे हैं नीड के बाद नॉट आया हुआ है, नीड के बाद नॉट आया हुआ है, देख पा रहे हैं। तो नीड और डेयर में एस का यूज़ नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और जो टू आता था उसको भी आप हटा देंगे। नेक्स्ट वाला देखिए, सी डेयर नॉट टू एनी थिंग, अब सी के बाद देखिए एस लगना चाहिए, एकदम 100% लग रहा है। लेकिन अगर नॉट वाला सेंटेंस है तो यहाँ पर एस नहीं लगाएंगे और वर्ब के साथ जो टू लगता था उसको भी हटा देंगे। ओके, निगेटिव सेंटेंस में यदि नीड और डेयर वर्ब बनकर आ जाए तो कैसे करेंगे। तो आप लिख सकते हैं आई डू नॉट नीड टू गो देयर, तब आप यहाँ पे टू का भी यूज़ करेंगे, नॉट का भी यूज़ होगा और नीड का भी यूज़ होगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, नीड के बाद नॉट आने पर एस ओ एस नहीं लगाते हैं और टू नहीं लगाते हैं, ना कि नीड से पहले। यहाँ पे देखिए नीड से पहले आ रहा है इसलिए सब कुछ है। या सी डज नॉट डेयर टू डू एनीथिंग, तो यहाँ पे देखिए लिखने का कोई वो नहीं है, आप दोनों तरीके लिख सकते हैं, लेकिन एक जगह पे वो वर्ब बन के आ रही है और एक जगह पे वो ऑक्सिलरीज बन के आ रही है। ओके, सेंटेंस देखते हैं, समझते हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं। जैसे मान लीजिए ये सेंटेंस है, लिखा दे नीड नॉट टू गो, सोचिए ये सेंटेंस सही है या नहीं। तो अभी मैंने बताया नीड के बाद अगर नॉट आ जाए तो पहली बात इसमें एस ओ एस नहीं लगता है, तो देखना है क्या एस ओ एस लगा है नहीं लगा है। फिर आगे मैंने बताया टू नहीं लगता है और यहाँ पर टू लगा हुआ है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, दे नीड नॉट गो, ये सही है, देखिए एस नहीं लगा है, टू भी नहीं है, तो ये सही है। देखते हैं ये वाला, दे डू नॉट नीड टू गो, इसमें देखिए जो नीड यहाँ लिख गया है, सॉरी यहाँ पे नीड के बाद तो नॉट आ नहीं रहा है, पहले आ रहा है, तो हम यहाँ पे टू का भी यूज़ कर सकते हैं, ये सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सी नीड्स, यहाँ पे देखिए एस का यूज़ हुआ है, उसके बाद टू अंडरस्टैंड इट यूज़ हुआ है। ये वाला फॉर्मेट अभी मैंने बताया कि नीड के बाद टू ओवर की फर्स्ट फॉर्म लिखी जा सकती है, तो ये सही है। सी डज नॉट नीड टू अंडरस्टैंड, देखिए नीड के बाद जो है, नीड के बाद नॉट नहीं आया, पहले आया है, तो टू का यूज़ भी हो सकता है। या देखिए सी नीड नॉट अंडरस्टैंड, नीड के बाद नॉट देखिए आया हुआ है, तो भाई एस नहीं लगाएंगे, तो एस नहीं लगा है, और यहाँ पे जो है
TO2 का यूज़ नहीं करेंगे तो नहीं किया गया है, तो ये भी सेंटेंस सही है। केवल एक ही सेंटेंस गलत था, बाकी सब सही थे। ठीक है, ओके, गुड डे।